नीरव मोदी से अपने संबंधों पर बोले राहुल गांधी, आरोप सिर्फ घोटाले के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। पीएनबी घोटाले पर निर्मला सीतारमण का बयान, कांग्रेस के आरोप झूठे, यूपीए के समय में हुआ घोटाला, कार्रवाई जारी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 7 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे, 23 को पीएम मोदी से होगी मुलाकात। पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच बातचीत में खालिस्तान का मुद्दा उठ सकता है, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात हो चुकी है। आज से दिल्ली बीजेपी मुख्यालय का पता बदल जाएगा, नया पता अब 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग होगा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे, नया दफ्तर 2 एकड़ में बना है। भारत ईरान के बीच रक्षा, व्यापार और ऊर्जा समेत 9 अहम समझौते, पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद उग्रवाद को रोकने में दोनों देश एक साथ, वीजा प्रक्रिया आसान बनाया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, चाबहार पोर्ट का विकास जारी रहेगा। पीएम मोदी और रूहानी ने संयुक्त डाक टिकट जारी किया, टिकट पर चाबहार और कांडला पोर्ट की तस्वीरें छपी है। प्रधानमंत्री आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे, नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के 4th कंटेनर टर्मिनल की भी शुरुआत करेंगे, मैग्नेटिक महाराष्ट्र समिट को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में आज विधानसभा के लिए मतदान जारी, सीपीएम और बीजेपी में आर पार की लड़ाई। त्रिपुरा में आज 60 में से 59 सीटों पर वोटिंग, सीपीएम उम्मीदवार के निधन की वजह से 1 सीट पर 12 मार्च को मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी, 3 मार्च को आएंगे नतीजे।